क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत के वर्ल्ड कप अभियान का आगाज वैसे तो 5 जून को होगा, लेकिन इससे पहले अभ्यास मैच शुरू हो गए हैं। 25 मई को भारत का पहला अभ्यास मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा और काफी हद तक भारत की तैयारी भी इसी मैच पर निर्भर करेगी। तो ऐसे में टीम इंडिया पहले अभ्यास मैच के लिए पूरी तरह तैयार है और विराट कोहली ने पहले मैच के लिए अपनी टीम भी फाइनल कर दी है। तो आपको बता दें, भारत की टीम, आप भी कमेंट जरूर करें कि कौन सा खिलाड़ी इस बार भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत के लिए ओपनिंग रोहित शर्मा और शिखर धवन ही करेंगे। पहले मैच में दोनों ही बड़े खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीसरे नंबर पर हैरानी भरा फैसला लिया गया है। जी हां, आईपीएल में शानदार खेल दिखाने वाले केएल राहुल को तीसरे नंबर पर बड़ा मौका मिल रहा है और राहुल पर यहां हर हाल में प्रदर्शन करने का दबाव होगा। राहुल तीसरे नंबर पर आएंगे तो विराट को अपनी पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज करते हुए चौथे नंबर पर ही आना होगा और लंबे मंथन के बाद विराट कोहली चौथे नंबर पर आने को राजी हो गए हैं। और ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो विराट वर्ल्ड कप में भी चौथे नंबर पर ही खेलेंगे। पांचवें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। और छठे नंबर पर आएंगे दिनेश कार्तिक। जी हां, केदार जाधव टीम के साथ हैं लेकिन फिलहाल उन्हें आराम ही दिया जा रहा है और दिनेश कार्तिक को छठे नंबर पर बैटिंग के लिए रखा गया है। जबकि सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे, जो निचले क्रम पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं। साथ ही साथ अब तो गेंदबाजी भी उनकी काफी शानदार हो गई है, यानी विजय शंकर को फिलहाल इंतजार ही करना होगा। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो टीम में भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह तीनों ही तेज गेंदबाजों को मेन स्ट्रीम में रखा गया है। जबकि स्पिनर्स के रूप में भी कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा तीनों को ही बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभ्यास मैच में टीमें कितने भी गेंदबाज खिला सकती हैं। लिहाजा 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स सभी को खेलने का मौका मिलेगा, जिसके बाद अच्छा खेल दिखाने वालों को वर्ल्ड कप के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जगह मिलेगी। तो कुल मिलाकर बैटिंग लाइनअप शानदार है, बॉलिंग भी दमदार है, बस 6 में से 4 गेंदबाजों को चुनना है। तो मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और आप भी इस टीम को लेकर अपने कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।